सवालों का। जया जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपका ये जो बैंड है मेरी जिंदगी फीमेल रॉक बैंड, हमेशा ही ये ऐसे गाने लेकर आता है जो सोशल इश्यूज से जुड़े हुए होते हैं। इस बार आप वैलेंटाइंस डे पर एक गाना लेकर आए हैं, तो ये गाना क्या है, इसका मकसद क्या है और वैलेंटाइंस डे ही क्यों? सबसे पहले तिरुनंद जी धन्यवाद, म्यूजिक जी उर्दू को धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया। वैलेंटाइन डे एक कहा जाए तो ये पूरा महीना जो है ये मोहब्बत का महीना है, और मोहब्बत में कभी हमारे पास जात, हमारी अमीरी गरीबी कहीं पे भी नहीं आती है। ये बैंड, मेरी जिंदगी बैंड हमेशा मुद्दों को उठाता रहा है, स्पेशली महिलाओं और बेटियों के मुद्दों को, कि सोसाइटी में उनके संग कैसा जो है भेदभाव होता है, उसको कैसे रोका जाए। ये जो गाना है चवन्नी सी औकात, ये एक रियल इंसिडेंट पे ये गाना बना है। बेटी एक बहुत ही अजीज बच्ची थी, उनसे बात हो रही थी और उनके हस्बैंड भी उनको कुछ ऐसे ही ढेर सारी बातें ताने देते हुए ये भी एक लाइन ऐड करी कि चवन्नी सी औकात नहीं है तुम्हारी। मेरी उनसे बात हो गई, उसके बाद ये लाइन मुझे ऐसी चिपक गई दिमाग में और मैंने दूसरे दिन ये गाना लिखा चवन्नी सी औकात। और ये गाना मैं आपके व्यूवर्स के लिए भी कुछ लाइनें इसकी गुनगुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। और आपको एक चीज इसमें और भी बताओ करंदम जी, ये बड़ी खास है कि इस गाने का जब रिकॉर्डिंग हुआ तो हमने इसमें रियल चवन्नियों का भी यूज किया जो इसमें मेरे पास है, आप इसकी कलर सुन सकती है। जी, मैं आपके व्यूवर्स के लिए ये गीत की दो लाइन जरूर गाऊंगी। बिल्कुल। चवन्नी सी औकात दिखा दी है सनम, खुदा की बोतल तुम खाली बोतल से बन, दिल से हारे थे तुमसे हारे थे हम, जीत भी क्या जीते जब खुद हारे सनम, चवन्नी भी औकात दिखा दे जो सनम, तुम ना रहोगे तुम हम ना रहेंगे हम। जी बहुत खूब जया जी, मैं चाहूंगी कि आपका ये जो सॉन्ग रिलीज होने वाला है वो हम पहले व्यूवर्स को दिखा दें और फिर इस सॉन्ग के बारे में आपसे बात करें। जी दिखा दी है सनम, सोडा की बोतल तुम खाली बोतल से हम, सोडा की बोतल तुम खाली बोतल से हम, चवन्नी से औकात जी। ये आपका जो आने वाला सॉन्ग है ये हमने देखा, इसको बनाने में आपको कितना वक्त लगा और लिरिक्स इसमें किसकी हैं? इसपे ये जो गीत लिखा गया है वो मैंने इसको लिखा है और पूरे बैंड ने इसमें अपनी शिरकत करी है। और इसमें हमने गेल चवन्नियों को जब इमेजिन किया कि अगर इसकी रिकॉर्डिंग में इसका जो म्यूजिक क्रिएट किया है वो ऋषि चौहान ने किया हुआ है और इसको अरुंधति फिल्म्स ने इसको प्रोडक्शन किया है और बहुत सारे लोग इसमें लगे, बट एक महीने में हमें ये लगा, हमारे बैंड के जो मैनेजर है मेंबर है निहारिका ने एक महीने चवन्निया इकट्ठा करना शुरू किया। ये उन्हीं का आइडिया था कि मैम अगर इसमें चवन्निया रियल ऐड करें तो मेरे ख्याल से गाने का रिलेवेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि चवन्नी फिर जब हमने ढूंढना शुरू किया तरुण जी तब हमें शायद रियल औकात पता चली। जय जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने एक प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल किया चवन्नी को,
और हमें खुद की अहमियत को समझने की, मुझको लगता है इस गाने के जरिए आपने ये कोशिश की है। तो ये वैलेंटाइन डे पर अमूमन ऐसा होता है कि प्यार मोहब्बत के जो एक एक रवायत रही है वैसे गानों को रिलीज़ करने की, वहाँ खुद से प्यार करने की का एक आपने जो मैसेज देते हुए जो गाना पेश किया है, इसके पीछे क्या सोच थी कि चलिए वैलेंटाइन पे ही इसको हम पेश करते हैं? जी एक्चुअली देखिए क्या होता है कि हम एक दिन एक तारीख मुकर्रर कर लेते हैं अपने प्यार को इजहार करने के लिए। ये एक ब्रेकअप सॉन्ग है और 14th हमने बहुत सारे लोग खाब सजाएंगे एक दूसरे के साथ रहने का, बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन उन जब वादों को निभाने का वक्त आता है, हम तो बंधन में बनते हैं, हम शादी करते हैं, बट उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि उस रिलेशन को हम उस तरीके से उतना उसको उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो ये उस दिन इसलिए गाना रिलीज कर रहे हैं हम कि आप आगे जो फ्यूचर अभी आप प्लान कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ करके। कभी कभी क्या होता है हम किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं और हम इस रिलेशन की ओर बढ़ जाते हैं, बट मुझे लगता है बहुत ठोक पीट के किसी रिलेशन में बंधना चाहिए और उसको मजबूती के साथ निभाना चाहिए। बिल्कुल, भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है और इस सच्चाई को समझने का वक्त सचमुच आ गया है। और बहुत ही अच्छा मैसेज भी आपने दिया है। तरुण डॉक्टर स्वाति भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति, जो तरुण ने बात की थी नेजल वैक्सीन की, ऐसा लगता है कि एक वो दौर था जब पोलियो के लिए वैक्सीन